अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लेक्चर नंबर 15 में स्टूडेंट हम डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हमने इसके अंदर देखें तो एक्स रेज जो है उसको अच्छे तरीके से स्टडी किया, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके बारे में भी पढ़ा, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। इसको ज़रा सुने। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेयर पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और मोमेंटम, या जिस मोमेंटम की जगह वेलासिटी भी कह सकते हैं, एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच ओवर 4π होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एक्स इसमें क्या है जी, वेयर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है जी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन यानी पोजिशन के बारे में क्लियर ना होना। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हमारे पास है। एच क्या चीज है, इसको तो हम पढ़ते हैं प्लांक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी हम पढ़ाए हैं 6.625 इंटू 10⁻³⁴ जौल सेकेंड, ये हमारे पास है, ये फैक्टर है। और आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली बन जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की जितनी पोजीशन क्लियर होगी इतना ही मोमेंटम गलत होगा, और जितना मोमेंटम क्लियर होगा इतनी पोजीशन गलत होगी। वैसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ ताकि बच्चे को क्लियर हो जाए कि सपोज करें, आपको पता है कि ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसकी एक खास वेलोसिटी होगी जिससे ये मूव कर रहा होगा। अगर हम इसे आम माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, तो हमें इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता, क्योंकि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 500 नैनोमीटर तक देख सकती है, एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, इसलिए आम माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते। और हमें इतना पता है कि जब हम इनको देखने के लिए एक्स रेज यूज़ करेंगे तो हमें पता है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर एनर्जी भी एक्स रेज की ज़्यादा होगी। तो जब हम इनको देखने के लिए एक्स रेज यूज़ करेंगे तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इससे टकराएंगे, जैसे इससे टकराएंगे, एक चीज़ अगर मूव कर रही है उससे हाई एनर्जी चीज़ कोई टकरा जाए तो क्या उसकी वेलोसिटी वही रहती है, नहीं। जैसे ही चीज़ को मूव करिए तो हाई एनर्जी फोटॉन जब इससे टकराएंगे तो हाई एनर्जी फोटॉन टकराने से इसकी एनर्जी को, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर जाएंगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम, तो आप ये पढ़ते हो पी इज इक्वल टू एम वी फिजिक्स में पढ़ते हो, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो पोजिशन तो नज़र आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो नज़र आ जाएगा, लेकिन उसकी हाई एनर्जी एक्सरे से आप उसको देख रहे हो जिसके जैसे उसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो रही है, वेलोसिटी डिस्टर्ब होने से मोमेंटम गलत हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि उसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब ना हो, आपको ऐसी रेज यूज़ करनी पड़ेगी जिनकी एनर्जी कम हो, और अगर एनर्जी कम होगी तो लाजमी बात है हमारे पास अगर एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। एक इसी तरीके से एक्सरसाइज में एक छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया है बच्चों से, ये हमारी बुक के अंदर तो डिस्कस नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। उसने कहा है, बच्चे से पूछा कि वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, ये बच्चों से पूछा गया है। इसको हम नाम देना चाहें इस टॉपिक को तो ये भी नाम दे सकते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या इसको एक और नाम दे सकते हैं डी ब्रोगले वेवलेंथ। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, लाइट की दोरी नेचर है, लाइट को पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, लाइट को वेव भी कह सकते हैं, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी भी ड्यूल नेचर है,
जो हमारे पास स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते, उनकी भी ड्यूअल नेचर है। इसी तरीके से ड्यूअल नेचर इस साइंटिस्ट ने 1924 के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को आप पार्टिकल्स भी कह सकते हो और इलेक्ट्रॉन को आप वेव भी कह सकते हो। इसके लिए उसने एक इक्वेशन ड्राइव की जिसमें उसने दो साइंटिस्ट की मैथमेटिकल रिलेशन लगाए, एक आइंस्टाइन का और एक उसने प्लैंक्स का, दोनों को रिलेशन को जोड़ के एक फाइनल इक्वेशन वो उसने ड्राइव की, वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी होता है। और एम वी जो है हमें पता है कि ये मोमेंटम है, एच ओवर पी भी लिख सकता हूँ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, तो वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर है कि वेव लेंथ मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं और वो हमारे पास है क्वांटम नंबर्स। मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ कि अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना है तो सबसे पहले आपको क्वांटम नंबर्स आना चाहिए। क्वांटम नंबर के ऊपर अगर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है तो आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा समझ आ सकता है। तो कोशिश करनी है कि आप फोकस करें और एनर्जी के साथ बैठें। अब हमारे पास इसमें टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आया होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस कंसेप्ट असल में पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे कंसेप्ट इसके अंदर मौजूद भी हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये क्वांटम नंबर्स क्या है तो आप कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स विच आर यूज टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, इज कॉल्ड क्वांटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ये हमारे पास है, यानी आसान वर्डिंग में ये कह सकता हूँ कि ये सेट ऑफ नंबर है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी मैं आसान वर्डिंग में समझाना चाहूँ तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं, जैसे हम एक पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि एक कोई भी बंदा है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें उसका कंट्री का नाम पता होना चाहिए, वो किस कंट्री में रहता है। अगर हमें उसकी कंट्री का नाम पता है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि वो उस कंट्री के किस सिटी में रहता है, किस शहर में रहता है। अगर उसके शहर का नाम हमें पता है तो फिर हमें उसका सेक्टर पता होना चाहिए कि वो किस सेक्टर में रहता है। जब हमें सेक्टर का पता चल जाता है तो फिर हमें उसका स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए, और अगर स्ट्रीट नंबर पता चल जाए तो उसके बाद हमें उसका हाउस नंबर पता चलना चाहिए, और अगर हमें उसका हाउस नंबर पता चल जाता है तो हम उसके घर पहुंच जाते हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन करेंगे और आप देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, अच्छा उसके अंदर किस सब शेल में है, उसमें वो उसकी एनर्जी कितनी है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कंप्लीट बिहेवियर एक्सप्लेन हम करेंगे। इन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली ये चार नंबर हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी शेल के अंदर या सब शेल के अंदर हम एक्सप्लेन करने के लिए इन नंबर्स को यूज़ करते हैं, इन नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहते हैं। टोटल इनकी तादाद चार है। सबसे पहले है जी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल है, साइंटिस्ट की बेस पर इसका नाम रखा गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। और आखिरी हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एस से डिनोट करते हैं। इनमें से जो पहले तीन हैं इनकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हायर लेवल पे मौजूद भी हैं,
इनको बकायदा ड्राइव किया गया है, और इस उस इक्वेशन को कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इनसे ड्राइव भी है। और कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं है, बाकी तीनों की डेरिवेशन मौजूद है। सबसे पहले हम आते हैं, इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान से बैठे हैं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बिहेवियर ऑफ शेल बताता है, यानी शेल के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। अगर मैं कहूँ ना शेल के बारे में कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो शेल की इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सब शेल, जिसको आप सब शेल भी कहते हैं, जिनको आप ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, उनका बिहेवियर किससे एक्सप्लेन होता है, उनको ऑर्बिटल का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यूज होता है, जबकि ऑर्बिट या शेल का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होता है। तो शेल के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा, हमें पता है इट इज डिनोटेड बाय एन, एन से इसको डिनोट करते हैं, और एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 एंड सो ऑन। इसको एन से डिनोट करते हैं और एन की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। ये हमें मुख्तलिफ बातें बताता है। नंबर वन, अगर मुझे एन की वैल्यू पता हो तो मैं सबसे पहले नेचर ऑफ शेल बता सकता हूँ, नेचर ऑफ शेल बता सकता हूँ, उस शेल की नेचर बता सकता हूँ, यानी उस शेल का नाम बता सकता हूँ। सेकेंड, अगर मेरे पास n की वैल्यू मौजूद है तो मैं इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल भी बता सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी बता सकता हूँ। नंबर थ्री, अगर मुझे n की वैल्यू गिवन है और मुझसे एनर्जी का सवाल किया जाता है तो मैं एनर्जी ऑफ शेल भी बता सकता हूँ, एनर्जी ऑफ शेल या ऑर्बिट, उसकी एनर्जी बता सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर मेरे पास n की वैल्यू गिवन है तो मैं साइज ऑफ ऑर्बिट या साइज ऑफ शेल बता सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ इनको ज़रा एक्सप्लेन करें, ये कैसे एक्सप्लेन होंगे, तो अगर मैं टेबल बना लूँ एक, इस जगह पे मैं n लिख दूँ, इस जगह पे शेल लिख दूँ या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट एक ही बात है, शेल भी लिख सकता हूँ या ऑर्बिट भी लिख सकता हूँ। और शेल में फिलिंग का फार्मूला हम पढ़ते हैं 2n स्केयर, ये लिख दूं, तब मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ कि n की वैल्यू 1 है तो शेल का नाम क्या होगा, आप कहेंगे के शेल। n की वैल्यू 2, एल शेल। n की वैल्यू 3, एम शेल। n की वैल्यू 4, एन शेल। इसका मतलब है अगर मुझे n गिवन हो तो मैं शेल का नाम बता सकता हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ बच्चों बताओ ये 3d ऑर्बिटल किस शेल में है, तो देखो इसके शुरू में 3 आ रहा है, तो 3 कतलक किस शेल से, एम से। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4p ऑर्बिटल है, ये इसका तल्लक किस शेल से होगा, तो 4 का नंबर n के सामने आ रहा है, इसका मतलब है 4p ऑर्बिटल जो है वो n शेल में है। तो इसलिए अगर मुझे n दे दिया जाए तो मुझसे ऑर्बिट या शेल का नाम पूछा जाए तो वो नेचर ऑफ शेल में बता सकता हूं। तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वो कहता है n की वैल्यू 1 है, उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप इसमें पुट करें 2 × 1 का स्केयर, जब आप सॉल्व करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अच्छा इसी तरीके से n की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 का स्केयर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएंगे। 2 × 3 का स्केयर, n की वैल्यू 3 है तो ये 18 आ जाएंगे। 2 × 4 का स्केयर, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपको पता है कि जो हमारे पास के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल मौजूद होता है s। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, इसमें s भी होता है और p ऑर्बिटल भी होता है। इसमें आपके पास sp(d) होता है, और इसमें s भी होता है, p भी ऑर्बिटल होता है, d भी होता है और f भी होता है, क्योंकि हमें पता है s में 2 आएंगे, p में 6 आएंगे, d में 10 आएंगे, f में 14 आएंगे, तो ये आप टोटल ऐड करो 32 बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये शेल होते हैं, उनके अंदर सब शेल पाए जाते हैं। तो ये बच्चों हम थोड़ा सा पता चला कि अगर मैं शेल का बिहेवियर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कौन सा क्वांटम नंबर यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे मैं शेल का बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब मैं बात करने लगा हूँ कि हमारे पास अगर सब शेल का बिहेवियर एक्सप्लेन करना है या ऑर्बिटल का बिहेवियर एक्सप्लेन करना है तो कौन सा क्वांटम नंबर यूज़ होगा, तो हमें पता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम यूज़ करेंगे। तो सेकेंड हम इसको डिस्कस करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
एज ए म्यूथल क्वांटम नंबर। डिनोट इसको किससे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल। बच्चों इसकी एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है एन माइनस वन, अगर वो वन है तो ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, उससे एक लेस होता है। ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है, आप कहते हैं इसकी मदद से हम एजिम्यूथल क्वांटम नंबर की मदद से बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो शेप ऑफ ऑर्बिटल ये बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल किसी ऑर्बिटल एस पी डी एफ की शेप के बारे में बताता है। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल बताता है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताता है। थर्ड, नेचर ऑफ ऑर्बिटल बताता है जी, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। और इसी तरीके से जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है तो उसके साथ हेल्प के तौर पे ये आ जाता है और उसकी एनर्जी एक्सप्लेन कर सकता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। वो भी हम इसको जब रिलेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ तो ये एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं कहता हूँ इन सारी बातों को हम कैसे बता सकते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें पता है कि ऑर्बिटल के बारे में बता दूं, फिर ताकि इनको मैं एक्सप्लेन करूं। एस आपको पता है एक ऑर्बिटल है, ये वर्ड कहाँ से निकला, एस का नाम शार्प से निकला। अच्छा, एस के बाद पी है, पी का वर्ड आपके पास आ गया प्रिंसिपल से, ऑर्बिटल पी स्मॉल पी है। और डी का डिफ्यूज, और एफ फंडामेंटल से आया है, फंडामेंटल। एस स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज, एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। ये ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम बेसिकली ये चार बातें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस जगह पे अगर मैं टेबल में यहाँ लिख दूं जी एल लिख देता हूँ, या ऑर्बिटल के बारे में लिख देता हूँ ऑर्बिटल, या सब शेल भी इनको बोलते हैं सब शेल, और उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फार्मूला होता है 2 × 2L+1। ये सब शेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का एक फार्मूला है। अगर इसकी वैल्यू एल की मुझे दे दी जाए तो मैं ऑर्बिटल की नेचर बता सकता हूँ, एल इज इक्वल टू जीरो तो एस ऑर्बिटल होगा, एल इज इक्वल टू वन पी ऑर्बिटल होगा, एल इज इक्वल टू टू डी ऑर्बिटल होगा, एल इज इक्वल टू थ्री तो मेरे पास एफ ऑर्बिटल होगा। तो ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल मैं बता सकता हूँ। अगर मुझे एन की वैल्यू एल की वैल्यू दे दी जाए तो ऑर्बिटल की नेचर के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि उस ऑर्बिटल का नाम क्या है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे, जैसे वो कहता है एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या एल इज इक्वल टू जीरो है तो उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप इसमें वैल्यू पुट करें 2 × 2L की जगह जीरो पुट करें, +1 सॉल्व करें, आंसर 2 आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एस ऑर्बिटल में। अच्छा, नेक्स्ट पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 × 2L की जगह 1 आ जाएगा, प्लस सॉल्व करें, सारे को सॉल्व करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2 × 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, +1 सॉल्व करें, 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आते हैं, और 2 × 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दें, +1 इसको सॉल्व करें तो एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल भी पता चल गए। अब शेप का कैसे पता चला, हमें शेप याद है, एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डंबल, डी की शेप जो है वो हमारे पास डबल डंबल भी कहते हैं सॉसेज भी कहते हैं, और सीजर लाइक भी कहते हैं, और एफ की कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। तो जब हमें एल की वैल्यू पता होगी ऑर्बिटल का पता चल जाएगा, ऑर्बिटल का पता चल जाएगा तो हम उसकी शेप के बारे में बता सकते हैं। तो एस की शेप क्या होगी, तो आप कहेंगे स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होगी, इस तरह की शेप होती है, ठीक है। अब चैलेंज
इसमें पता चला ना कि एल की वैल्यू जीरो है तो एस आर्बिटल है और एस आर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। अच्छा, एल की वैल्यू अगर वो कहता है वन है तो शेप बताओ, तो आपको पता चल जाएगा पी, और पी की शेप जो होती है वो हमें पता है डंबल होती है, डंबल शेप होती है, इस तरह की शेप होती है। और इसी तरीके से डी की शेप जो होती है वो हमारे पास एल की वैल्यू अगर टू देगा तो डी आर्बिटल पता चल जाएगा, आर्बिटल का पता चल गया हमें, इसकी शेप का अंदाज़ा है और इसकी शेप जो है वो सासेज, सासेज या सीजर लाइक, डबल डबल भी कह सकते हैं, इस तरह की शेप बनाते हैं, ये डबल है उसके ऊपर एक और डबल बनाते हैं, डबल डबल बनाते हैं, सासेज शेप होती है। और एफ की शेप जो है वो बेसिकली आप समझ लें कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो भी डबल ही होती है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, पेचीदा होती है, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स डंबल शेप इनकी होती है। तो देखो हमें इससे भी पता चल गया कि हमें इनका अंदाज़ा हो गया कि अब एल की वैल्यू से आर्बिटल का नाम पता चलता है, उसके बाद आर्बिटल के नाम से हम उनकी शेप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हमें इतना ये भी अंदाज़ा है कि अगर मुझे एन दे दिया जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर एन इज इक्वल टू मेरे पास है, सपोज करें 4 है, तो एल की वैल्यू लेस देन 4 होगी। लेस देन 4 क्या क्या हो सकते हैं, एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इसका मतलब है ये हमारे पास एस भी हो सकता है, अच्छा इसी तरीके से हमें पी की फॉर्म में भी हो सकता है, डी की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि एल इज इक्वल टू हमारे पास अगर 4 है तो इसके अंदर से मुख्तलिफ आर्बिटल्स एन के शेल उसका पता चल गया, तो आर्बिटल हम उसके बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, तो हम एल की वैल्यू उससे लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें इसे एम से डिनोट करते हैं, और इसमें हमें याद रखना है m की वैल्यू l की तरह ही होती हैं, 0 प्लस 1 माइनस 1, वहाँ प्लस माइनस नहीं आ रहे थे, प्लस 2 माइनस 2, और l की वैल्यू प्लस 3 माइनस 3 m की वैल्यू हो सकती है, और सो ऑन, l की वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा दें तो m बन जाता है। m की वैल्यू एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर की तरह देखो 0 1 2 3 हो सकती है, लेकिन ये 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आएगा, बाकी सब के साथ प्लस माइनस आ सकता है। बेसिकली तो ये हमें डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड बताता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक तो हमें पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, बच्चे को मुश्किल लग रही होती है, ओरिएंटेशन इन ऑफ आर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि कोई भी आर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड में कितनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा ये हम बता सकते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ डी जनरेट आर्बिटल बता सकते हैं, नंबर ऑफ डी जनरेट आर्बिटल्स, यानी जैसे पी के हम पढ़ते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, उसके डिजेनरेट आर्बिटल हैं, फर्दर डिवीजन है, तो ये हमें इन चीज़ों के बारे में भी बताता है। जैसे अभी हम इसको तो देखते हैं कि हमें ये चीज़ें कैसे पता चल रही हैं, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे लिख दूँ आर्बिटल, इस जगह पे उसकी एल की वैल्यू लिख दूँ, इस जगह पे उसकी एम की वैल्यू लिख दूँ, और डी जनरेट का फार्मूला भी हमारे पास है 2l+1, नंबर ऑफ डी जनरेट आर्बिटल इससे निकल सकते हैं, नंबर ऑफ डी जनरेट आर्बिटल को निकालने का फार्मूला है 2l+1, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्बिटल निकालने का फार्मूला था 2 × 2l+1। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ एस आर्बिटल है, एल की वैल्यू क्या होगी 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, अब इन वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा दें एम आ जाएगा। जैसे इसके साथ एल के साथ 0 है तो 0 के साथ प्लस माइनस 0 नहीं लगाया जाता, 0 ही होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 0, एल की वैल्यू भी 0 होगी, एम की भी 0 होगी, जबकि इसमें देखें प्लस माइनस 1 तक जाना है, तो प्लस माइनस 1 में ये 0 होगा, प्लस 1 होगा, माइनस 1 होगा, इसका मतलब है इसकी
पी की तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, यानी एक इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, एक जो रहेगा उसी में रहेगा, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड में तीन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ये आ गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये पी जेड, तीन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। और इसी तरीके से प्लस माइनस टू तक जाना है तो ज़ीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, तो कितनी वैल्यूज़ टोटल आएंगी आपके पास, पाँच, तो ये पाँच डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है, ये कितनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये आपके पास जो डिफ्लेक्ट होगा वो बेसिकली सात डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, माइनस टू और माइनस थ्री तक चलते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ़ डिजिट एक, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, नंबर ऑफ़ डिजिट तीन, तीन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। यहाँ वैल्यूज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये सात डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। नंबर ऑफ़ डिजिट ऑर्बिटल इन डिफ्लेक्शन को ही तो बोलते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ डिजिट ऑर्बिटल मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ एस ऑर्बिटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल निकालें, तो टू इंटू एस के लिए जीरो प्लस वन, सॉल्व करें आंसर वन आएगा, एक ही डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है। अब पी के लिए निकालें तो आप कहते हैं जी टू इंटू वन प्लस वन, इसको सॉल्व करें तीन, इसलिए हम पढ़ते हैं पी के, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। जैसे पी एक्स किसके लिए है, माइनस वन होगा तो पी एक्स होगा, और ज़ीरो होगा तो पी वाई होगा, और अगर L की वैल्यू हमारे पास M की वैल्यू प्लस वन होगी तो वो PZ होगा। इसी तरीके से D के बारे में देखें तो इसमें आपके पास सॉल्व करें टू इंटू टू प्लस वन, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पांच डायरेक्शन आएंगे, तो इसलिए हम D के बारे में पांच डायरेक्शन पढ़ते हैं। D पांच डायरेक्शन में कैसे डिफ्लेक्ट होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्केयर होता है। ये पांच डायरेक्शन है इसके, पांच इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। देखो इसकी वैल्यू भी तो यहाँ पांच है, पांच वैल्यूज हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये जो जीरो है ये किसके लिए, तो एम इज इक्वल टू जीरो जो है वो डी जेड स्केयर के लिए होता है, ये हो गया। अच्छा प्लस टू किसके लिए है, ये एक्स डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के लिए, ये एम की इज इक्वल टू प्लस टू होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू उसके लिए टू होती है। अब इसी तरीके से जो माइनस टू है वो किसके लिए है, माइनस टू जो है वो हमारे पास इसके लिए है जी, एक्स वाई के लिए, ये हमें याद रखना होगा, ये हमें एंट्री टेस्ट में बहुत काम आता है। इसी तरीके से एम की वैल्यू माइनस वन जो है वो हमारे पास इसके लिए है, और एम की वैल्यू प्लस वन इसके लिए है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन भी है, हमारी किताब में नहीं गिवन। तो ये बच्चों M की देखो पांच वैल्यूज़ थी, इसलिए देखो पांच डायरेक्शन आ गए। तो हमारे पास जो F के डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो सेवन निकलेंगे, आप इस तरीके से उसको भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी हमारे पास बात है दो चार मिनट की, उसको समझ लें, और वो हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट हमें पता है ऐसे करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, और बेसिकली तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होता है। जैसे इसकी दो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं, एस इज इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ, इसको एस की वैल्यू जो है एस स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करता है, और एस जो है प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। जैसे सपोज करें मैं आपके सामने ये एक ऑर्बिटल बना देता हूँ, और उसको मैं डिफ्लेक्ट कर देता हूँ, उसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कराता हूँ, ये एंटी क्लाक वाइज अगर मैं इसे रोटेट करा रहा हूँ तो उस वक्त उसकी एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ होगा। अगर वो एंटी क्लाक वाइज रोटेट कर रहा है तो जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है माइनस हाफ होगी। और इसी तरीके से अगर ये ऑर्बिटल है जो भी पी एस ऑर्बिटल है लाइक, अगर हम इसको डिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो ये अगर यहाँ घूमता है और समझ लें कि ये क्लाक वाइज रोटेट होता है, क्लाक वाइज रोटेट होता है, तो एस इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो देखें एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है तो वो क्लाक वाइज भी रोटेट करता है और एंटी क्लाक वाइज भी रोटेट करता है। अगर एस की वैल्यू माइनस हाफ होगी तो वो एंटी क्लाक वाइज होगा, और एस इज इक्वल टू प्लस हाफ होगा तो वो क्लाक वाइज होगा। इसलिए बार दफ़ा इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर रहे होते हैं, एक एरो ऊपर बनाते हैं एक एरो नीचे बनाते हैं, तो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ है तो एरो कैसे आ रहा है अपवर्ड, एस इज इक्वल टू प्लस हाफ है तो एरो कैसे आ रहा है डाउनवर्ड, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको n की वैल्यू दे देता हूँ बच्चे, n इज इक्वल टू फोर है, l इज इक्वल टू
टू है और m इज इक्वल टू ज़ीरो है, सपोज करें s इज इक्वल टू माइनस हाफ है। एक तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन के शेल में, दूसरा ये मुझे बताओ कि ये उस शेल के कौन से सब शेल में है। तो आप शेल कैसे पता चलेगा, n इज इक्वल टू वन होता k शेल, टू होता l शेल, थ्री होता l शेल, फोर होता था n शेल। तो आप इसका शेल तो नाम बता दोगे, इसका शेल होगा जी n, क्योंकि इसकी n की वैल्यू, इसकी n की वैल्यू फोर है। तो शेल का नाम तो हमें पता चल गया, इसका शेल n है। अब इस शेल के अंदर लाजमी बात है हमने पढ़ा है s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी हो सकता है। अब ज़रा देखते हैं, तो इसको शुरू में लिख देंगे फोर। अगर यहाँ मैं आपको ज़ीरो देता आप इसके साथ s लिख देते, वन देता आप इसके साथ p लिख देते। l की वैल्यू टू है, l की वैल्यू टू आपने पढ़ी हुई है d के लिए होती है, फोर d हो गया। और m d d ऑर्बिटल के लिए आपको पता है, d ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमने पढ़ी है ज़ीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री हो सकती है। तो इस d के लिए, तो अब d के लिए ज़ीरो की वैल्यू मैंने अभी आपके सामने लिखी है। d ज़ीरो किसके लिए था जी, यहाँ पे इसका मतलब है डी जेड स्केयर होगा, इसका डी जेनरेट ऑर्बिटल होगा फोर डी जेड स्केयर। और s इज इक्वल टू माइनस हाफ लिखा है, तो माइनस हाफ अभी लिखा हुआ है और उसकी स्पिन कैसे होगी अपवर्ड। तो ये बच्चों ऐसे करके मल्टीपल चॉइस एंट्री टेस्ट में काम आ जाते हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह कहीं पे टाइम मिला तो इसको हम आपस में भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।